हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने CMF फ़ोन 1 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के वाईफाई को ना QR कोड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन का क्विक पैनल ओपन करना है। ऊपर से नीचे स्लाइड करेंगे तो एक क्विक पैनल ओपन हो जाता है। इसमें देखिए जो वाईफाई का आइकन है ना, वाईफाई के आइकन को उंगली से दबा के रखना है तो आपका ये वाईफाई वाला पेज आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, मेरा ये वाईफाई का जो इंटरनेट है पहले से कनेक्टेड है, आप इसको समझ लीजिए कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। एक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का वाईफाई जो कनेक्ट करने के लिए इसी पेज में आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये ऐड नेटवर्क का। ऐड नेटवर्क के सामने जो प्लस का ऑप्शन है ना, ये मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ऐड नेटवर्क के सामने जो प्लस का ऑप्शन है, ये जो प्लस का ऑप्शन है, इसे टैप करना है। तो इससे क्या होगा, ये आपके मोबाइल फ़ोन में जो वाईफाई का जो स्कैनर होता है ना, ये वाईफाई का स्कैनर ओपन हो जाता है, ठीक है। अब इससे करना क्या है, सामने वाले पर्सन का जो वाईफाई का QR कोड होगा ना, उसे आपको स्कैन करना है इस स्कैनर से। तो क्या होगा, आपके मोबाइल फ़ोन का जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो है ना QR कोड के जरिए वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सामने वाले पर्सन का जो वाईफाई का QR कोड होगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा। देखिए सामने वाले पर्सन का जो मोबाइल फ़ोन में वाईफाई कनेक्टेड होगा ना इस तरीके से, तो उसके सामने जो है सेटिंग का ये आइकन बना होता है। सेटिंग के इस आइकन पे टैप करेंगे ना, तो इस पेज में आपको शेयर का ऑप्शन है, शेयर पे टैप कर देना है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन लॉक एंटर करने के बाद आपको जो है ना वाईफाई का QR कोड यहाँ पे दिखाई दे जाएगा सामने वाले पर्सन का, ठीक है ना, उसी के मोबाइल फ़ोन में। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में वाईफाई के स्कैनर से सामने वाले पर्सन का जो वाईफाई का QR कोड है उसे स्कैन करके आप जो है वाईफाई को अपने मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना।